टू एक्सिमबीज। चलिए जानते हैं इस हफ्ते के अपडेट्स। व्यापार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम को प्रोत्साहन देने के लिए एक्सपोर्टर्स को 1 अप्रैल 2022 से ERCMC के लिए DGFT के पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। पहले RCMC अप्लाई करने के लिए संबंधित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या फिर कमोडिटी बोर्ड्स में आवेदन देना होता था, जिसे अब एक कॉमन पोर्टल से ही किया जा सकता है। फियो के डायरेक्टर जनरल और CEO श्री अजय सहाय का कहना है, भले ही PLI स्कीम सिर्फ बड़े उद्योगों तक ही सीमित है, लेकिन ऐसे बड़े उद्योगों को लगने वाले पार्ट्स और रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली छोटी कंपनियों का भी विकास होगा। आगरा में आयोजित किए गए एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2022 में श्री अजय सहाय ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के उपलक्ष्य में एक्सपोर्टर्स से दुनिया भर के बाजारों में अपनी पकड़ बनाने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि आगरा में मेगा लेदर क्लस्टर और IT पार्क की जरूरत है, जिसके लिए फियो सरकार के सामने पैरवी करेगा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हैंडीक्राफ्ट्स और इंजीनियरिंग क्षेत्र के एक्सपोर्टर्स को भी प्रोत्साहन दिया। फियो ने सरकार से मांग की है कि शिपिंग कंटेनर्स का निर्माण होना चाहिए, जिससे कंटेनर की कमी दूर होगी और किराए में भी बचत होगी। गोवा के छोटे एक्सपोर्टर्स को DGFT की वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना काफी मुश्किल हो रहा है। साल 2018 में DGFT ने गोवा में स्थित अपना क्षेत्रीय कार्यालय बंद कर दिया था। डायरेक्टर फॉर इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स स्वेति कस्तचान और GCCI गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने DGFT को गोवा में फिर से क्षेत्रीय कार्यालय शुरू करने का अनुरोध किया, जिससे कि एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स की समस्याओं का समाधान हो सके। इस पर DGFT ने कहा है कि गोवा में कार्यालय शुरू करना फिलहाल संभव नहीं है, पर वो अपना ऑनलाइन प्रोसेस और कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसेस में जरूर सुधार करेंगे। GCCI इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EEPC, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स IACC और गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन GSIA ने एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें एक्सपोर्टर्स को आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर विशेष बातचीत हुई। गोवा के उद्योगियों का कहना है कि गोवा के मोरमुंगा पोर्ट में काफी सुधार की आवश्यकता है। आज ये पोर्ट कार्गो को संभालने में असमर्थ है, इसीलिए गोवा राज्य सरकार ने कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाने का प्रयोजन करना चाहिए। EEPC के चेयरमैन महेश देसाई ने कहा कि गोवा से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उद्योगीकरण का विकास, सुगम परिवहन और सरकारी प्रशासन ने एक्सपोर्टर्स के साथ तालमेल में काम करने की आवश्यकता है। इंडियन टी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल श्री अरिजीत रहा ने चाय उद्योग के व्यवहार्यता के लिए सेंटर से आर्थिक मदद की मांग की है, जिसमें दार्जिलिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। दार्जिलिंग टी को भारत में सबसे पहला GI टैग दिया गया था, पर अब यहाँ के चाय उद्योग को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री अरिजीत रहा ने इसमें से कुछ मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से चाय बागानों के विस्तार की और पुनर्रोपण की गुंजाइश बहुत कम है। पुनर्रोपण के बाद चाय के लिए 5 से 7 साल का उत्पादन पूर्व अवधि लगता है। इस दौरान बागान का उत्पन्न शून्य होता है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ उत्पादन लागत भी ज्यादा है। भारत से होने वाले कुल चाय निर्यात का 18% निर्यात रशिया और यूक्रेन को होता था, जो अभी युद्ध की स्थिति की वजह से संकट में आ गया है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए चाय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने चाय उद्योग के लिए रोडटेप योजना का लाभ 1.7% से 6% करने की गुजारिश की है। विद्यानंद बरककोटी, जो नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन के सलाहकार हैं, उन्होंने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से कहा कि अगर केंद्र सरकार कम से कम 5 सालों के लिए आसाम चाय उद्योग को उचित सहायता देती है, तो आसाम में एक्सपोर्ट हब बनने की क्षमता है। आसाम चारों ओर से भूमिबंध होने की वजह से चाय को निर्यात करने के लिए सड़क मार्ग से पहले कोलकाता भेजना पड़ता है। अगर इस मार्ग की जगह इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल ट्रेड रूट का उपयोग किया जाए, तो चाय उत्पादक सीधे अपने फैक्ट्री से निर्यात कर पाएंगे। हाल ही में प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से पटना से गुवाहाटी तक मालवाहक जहाजों के आगमन ने
चाय उत्पादकों को एक आशा दी है कि गुवाहाटी चाय व्यापार का केंद्र बन सकता है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ISMA ने दावा किया है कि चीनी का निर्यात अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 में 47 लाख टन हुआ है, जो पिछले साल इसी समय 17.75 लाख टन था। इस साल के गन्ने की अच्छी फसल और जागतिक तौर पर बढ़ती मांग इसके पीछे के दो मुख्य कारण हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय निर्यातकों को 64 से 65 लाख टन चीनी निर्यात का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें से 45 लाख टन चीनी फरवरी के अंत तक निर्यात हो चुकी है और मार्च महीने के अंत तक ये आंकड़ा 55 से 56 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। ISMA का अनुमान है कि चीनी उद्योग मार्केटिंग ईयर 2021-22 में 75 लाख टन चीनी निर्यात का रिकॉर्ड बनाएगा। चीनी का मार्केटिंग ईयर अक्टूबर से सितंबर तक होता है। आसाम के स्टेट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर श्री चंद्रमोहन पटोवारी ने बताया कि कुल 1337 करोड़ रुपए की लागत से 500 TPD मिथेनॉल और 200 TPD फॉर्मल्डिहाइड प्लांट की विस्तार परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और आसाम जल्द ही इन रासायनिक उत्पादनों को बांग्लादेश निर्यात करेगा। प्रोडक्ट लाइन और मूल्य निर्धारण के लिए बांग्लादेशी इम्पोर्टर्स नामरूप में APL आसाम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड प्लांट का दौरा करेंगे। उसके बाद बांग्लादेश को सिलीगुड़ी मार्ग से इन रसायनों का निर्यात करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोनों देशों के अधिकारी रासायनिक निर्यात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक लैब टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने पर भी सहमत हुए। इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम IES 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक फिर से लागू की जाने वाली है। इस योजना के लाभार्थियों का रिकॉर्ड रखने और उस पर निगरानी रखने के लिए DGFT ने नए ऑनलाइन IT मॉड्यूल की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 अप्रैल से एक्सपोर्टर्स DGFT की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम में मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट एक्सपोर्टर को उनके प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के ब्याज पर 5% राहत की सुविधा RBI की तरफ से की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक्सपोर्टर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN लेना होगा, जो उसे संबंधित बैंक को देना होगा। इस योजना का लाभ प्रोसेस एग्रीकल्चर एंड फूड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स, हैंडमेड कारपेट्स, कॉयर एंड कॉयर प्रोडक्ट्स, रॉ जूट एंड यार्न, रेडीमेड गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स, टॉयज एंड स्पोर्ट्स आइटम्स, पेपर एंड स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज, लेदर गुड्स, सिरेमिक प्रोडक्ट्स, ग्लास एंड ग्लासवेयर के क्षेत्र के एक्सपोर्टर्स ले सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन टू स्टे ट्यून फॉर रेगुलर अपडेट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।